नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांवड़ यात्रा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने को तैयार है। गंगा जल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद राज्य सरकार की ये पहल देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, दूसरे राज्यों के कांवड़ियों को हरिद्वार आने की इजाजत फिलहाल नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद राज्य सरकार की पहल है और इस पहल की कहीं ना कहीं तारीफ भी लोग कर रहे हैं कि जब इस महामारी के दौर में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा है तो इस प्रतिबंध के बाद भी लोगों तक लोगों के घर तक गंगा जल पहुंचाया जाए, ये सरकार की एक पहल है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, गंगा जल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद राज्य सरकार की ये पहल जो कि बेहद सराहनीय, कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है दूसरे राज्य के कांवड़ियों को हरिद्वार आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इजाजत दी गई तो हरिद्वार उत्तराखंड में इस पर रोक लगा दी गई। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि लगातार संक्रमितों की संख्या में जब इजाफा हो रहा है और जब लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब थर्ड वेव की दस्तक से पहले कहीं ना कहीं इन संक्रमितों की संख्या में अब कमी दर्ज की जा रही है, मौत के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है, तो आखिर क्यों इस पर लापरवाही बरती जाए। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया कि अभी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा को चालू किया गया तो जैसी तस्वीरें कुंभ के वक्त आई थी, जो आंकड़े कुंभ के वक्त बढ़ रहे थे, वैसे ही तस्वीरें वैसे ही आंकड़े हर इस कांवड़ यात्रा में भी देखने को मिल सकते हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जतिन, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा को इजाजत दे दी गई है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर रोक है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नई पहल की शुरुआत करने जा रही है उत्तराखंड सरकार कि जिन जिन घरों में गंगा जल की जरूरत होगी टैंकरों से वहां तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी संबंधित एक हलफनामा जो है वो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में दिया है और ये कहा है कि क्योंकि इस समय कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है और दूसरी लहर में हमने देखा कि भयावह स्थिति किस तरह से बनी थी, तो कांवड़ यात्रा कराना किसी भी हालत में ठीक नहीं होगा कोरोना के लिहाज से देखें। लेकिन क्योंकि शिव भक्त हैं, उनको निराश भी नहीं करना है, तो उसके लिए विकल्प की कोशिश जरूर की जा रही है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार ने जब रोक लगाई है कांवड़ यात्रा पर और जाहिर है इसके बाद जल जो है हरिद्वार से तो नहीं भरा जा सकेगा, तो ऐसे में जो दूसरे राज्य हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश का भी मुख्य रूप से जिक्र करें या फिर देश की राजधानी दिल्ली का भी जिक्र करें, तो वहां के शिव भक्तों का क्या होगा। तो केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि ऐसा किया जा सकता है कि गंगा जल जो है वो तमाम जगहों से लाकर टैंकर में शिवालयों के पास खड़ा कर दिया जाए, कुछ डेडिकेटेड जगह कर दी जाए, वहां से शिव भक्त जो है गंगा जल ले और शिवालयों में जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं, तो ये एक विकल्प के तौर पर है। हालांकि इसमें अभी तय वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी उसमें यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि यही फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाए। हालांकि अगर जहां हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं और जो लोग जो कांवड़िया यहां से हरिद्वार जाते थे, अब उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए ये साफ तौर पर विकल्प नजर आता है कि गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिजघाट जहां पर गंग नहर है वहां से जो जल है वो लिया जा सकता है, या फिर गाजियाबाद में मुरादनगर में छोटा हरिद्वार मंदिर है जहां जो मंदिर गंग नहर के किनारे है, तो इन जगहों पर पहले से ही कांवड़ियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे भी ये संकेत मिलते हैं कि हो सकता है कि यूपी में अगर कांवड़ यात्रा हो तो इन जगहों से जल लाया जाए टैंकर में और वो डेडिकेटेड जगहों पर रख दिए जाए टैंकर और वहां से जो शिव भक्त हैं वो जल ले पाए। हमने छोटा हरिद्वार मंदिर से भी एक रिपोर्ट की है, शायद वो हमारे दर्शक देखेंगे, उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरह की तैयारियां जो हैं वो गंग नहर के पास वाली जगहों पर की जा रही हैं। जी ठीक है, बिल्कुल जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुख करते हैं हरिद्वार, जहां पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल हरिद्वार में क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में तो इसकी मनाही हो गई कांवड़ यात्रा की, लेकिन उत्तराखंड में इसकी हलचलों को लेकर आप कहने के जो जो आम जनता के जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे जो है वो खिल उठे हैं, क्योंकि उनके पास अभी अनुमति है, वो क्या नाम है पूरी कोशिश यहां पर करेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में जब इसकी मनाही हो गई है तो आखिर वहां पर किस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है, क्या वहां के लोग इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरह से स्थगित कर दी है जी। उसके बाद अब ये एक विचार किया जा रहा है, जिला प्रशासन इस तरह की योजना तैयार कर रहा है कि जो आने वाले अन्य प्रदेशों के कांवड़िए हैं उन्हें यहाँ से टैंकरों के द्वारा या डाक के द्वारा जल पहुँचाया जाए, गंगा जल पहुँचाया जाए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा स्थान है कि जहाँ से कई प्रदेश के दिल्ली यूपी हरियाणा और जहाँ से भी ये कांवड़ यात्रा चलती है तो कई प्रदेश के जो कांवड़िए हैं वो सावन में हरिद्वार पहुँचते हैं और हरिद्वार से ही जल ले जाने की परंपरा है, यहाँ से जल लेके जाते हैं और अपने जो जला अभिषेक करते हैं शिवालयों पर ले आके जल यहाँ से। तो अब ऐसे में क्योंकि कोविड की वजह से संक्रमण को देखते हुए इस कांवड़ यात्रा को राज्य सरकार ने रद्द किया है, तो उसके बाद किस तरह से जो कांवड़िए हैं उन्हें रोका जाए इस पर पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है, और अभी तक जिला प्रशासन ने जो तैयारी की है तो स्थानीय जो व्यापारी हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी कांवड़ यात्रा से संबंधित सामग्री ना रखी जाए दुकानों पर, नहीं तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो बॉर्डर हैं उन्हें सील करने की योजना है, और जब कांवड़ यात्रा का समय होगा पूरी तरह से योजना बन गई है, जो उत्तराखंड के बॉर्डर हैं जो अन्य प्रदेशों से जहाँ से कांवड़िया प्रवेश करते थे वो पूरी तरह से सील रहेंगे। इसके साथ राहत भरी खबर ये कह सकते हैं कि अब जिला प्रशासन ये एक योजना तैयार कर रहा है कि टैंकरों के माध्यम से हरिद्वार से गंगा जल भर के जो अन्य प्रदेश से आने वाले कांवड़िए हैं जो वहाँ पर बड़े शिवालय हैं, तो ये चूँकि योजना अपनी चुनौतीपूर्ण रहेगी किस तरह से इसका अमली जामा इसे पहनाया जाएगा, इस पर अभी योजना तैयार हो रही है, इस पर विचार चल रहा है, डाक के द्वारा भी गंगा जल पहुँचाए जाने की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जल्दी इस ओर जिला प्रशासन बड़ा कदम उठा सकता है, बड़ी राहत जो अन्य प्रदेश के कांवड़िए यहाँ पर गंगा जल लेने के लिए पहुँचे थे उन्हें ये मिल सकती है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो कांवड़ यात्रा है पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है, और हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है कि जो भी कांवड़िए हैं उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, अगर कोई कांवड़िया फिर भी अगर यहाँ पर पहुँचता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात पहले जिला प्रशासन ने बोल दी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे 14 दिन के लिए यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर आप बनाए रखिए, धर्मेंद्र तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे।